गाइस आज मेरा खून निकला ना, आज मैं वापस खून पीऊंगा। ये आज मैं वापस खून पीऊंगा। चलो चलो देखो देखो नाटक देखो। ये खून की भरपाई करो, 1 लीटर खून पीना है। खून निकला ना, आज वापस खून ही पीऊंगा मैं। ये अनार का जूस है, खून नहीं है। रेड हो गया, रेड तो होता ही है ना, रेड कलर है। चलो चलो पियो 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 पियो। चलो पियो। नो गुगलू नोई नो, चलो जूस पियो। देखो कितना अच्छा जूस है, ऐसे एनर्जी मिलेगी। ला ला देखो, सब देख रहे हैं। देखो चलो जूस पियो, जूस पियो। गुगलू अच्छा बच्चा है। ओ वाह, ये ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। ये वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड बच्चा। गुगलू गुड बॉय है ना। देखो कितना अच्छा अच्छा ना लिया मैं ना, कितना सुंदर सुंदर लग रहा हूँ ना। ये लो लो पियो 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 पियो। पियो तो यार गुगलू। आहा क्या करें, ये पीता ही नहीं है। सारे कपड़े इसने खराब कर लिए हैं, यहाँ पे गिरा देता है सारे टी शर्ट। ये सफ़ेद और पहना दी मैंने इसको, तो ये इसको भी गंदी करने की फिराक में लग रहा है मुझे। लेकिन मैं गिरने नहीं दूंगा। चलो या और मुझे अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया है कि बच्चों को जूस कैसे पिलाते हैं और गिरने नहीं देना है यहाँ पे, तो थोड़ा थोड़ा अनुभव हो चुका है मुझे। ये तो सिद्धि लो, एक एक घूंट करके पिलाने से बच्चे जो है जूस गिराते नहीं है और उनको पीने में भी आसानी होती है। चलो पियो। बच्चों को हमेशा कोई भी चीज़ खिलाने उसके आई साइट के बराबर रखना चाहिए या फिर नीचे रखना चाहिए। उनको पता चलेगी मैं क्या खा रहा हूँ, वो देख पाए चीज़ को कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे मतलब दिखने में कैसी है, वो उससे थोड़ा फेमिलियर हो पाए। अगर हम उसको साइड में रख के छुपा के खिलाएंगे तो उसे जान नहीं पाएगा और उसका मन नहीं करेगा खाने का। ये एक साइकोलॉजिकल वो है चीज़ कि बच्चों को हमेशा दिखनी चाहिए चीज़ ताकि वो अच्छा। जैसे तो सब कुछ समझ में आ रहा है। लो ये देखो मैंने सामने रख रखा है इसको यहाँ पे, और इसको दिखा के आई साइट के बिल्कुल बराबर में या फिर उससे नीचे रखना चाहिए। उसको दिखना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, मैं क्या खा रहा हूँ, दिखने में कैसी है, तो वो उस चीज़ के प्रति थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। हाँ ये चीज़ अच्छी लगी मुझे खाने में। अगर उनको स्वाद लगता है, अच्छा लगता है, तो फिर वो उस चीज़ को पसंद करते हैं। अगर वो उस चीज़ को देख ही नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि क्या है कैसी है, तो फिर उनको समझ नहीं आएगा और वो खा नहीं पाएंगे ढंग से। अगली बार फिर वो खाने के लिए मना करेंगे, ऐसे होता है। बच्चों को हमेशा एक एक घूंट करके कोई जूस वगैरह पिलाना चाहिए क्योंकि उनका जो ये है सिस्टम थोड़ा छोटा होता है, तो वो जो है ये देखो ये समस्या चली जाती है, ऐसे हो जाता है। ये तो थोड़ा सा हुआ है अभी। लो पियो 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 पियो। कभी भी बच्चों को ज़बरदस्ती फीड नहीं करवाना चाहिए। कोई भी खाना वगैरह खिला रहे हैं, जूस वगैरह खिला रहे हैं, तो ज़बरदस्ती नहीं खिलाना, क्योंकि उनका पेट ऑलरेडी भर चुका होता है, सिग्नल आ चुका होता है। खासकर छोटे बच्चे अंडर 2 साल जो है उनको ज़बरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। लो क्योंकि अगर उनको भूख लगेगी तो वो अपने आप रोएंगे, आपको इंडिकेशन देंगे हमें भूख लग रही है कुछ, हमें खिलाओ पिलाओ। ये देखो अभी ये फुल हो चुका है, इसको भूख नहीं है, तो बस मजाक की मूड में। लो लो थोड़ा सा देखो, ये फिनिश करो फिनिश करो। वेरी गुड बच्चा गुगलू, अच्छा बच्चा है। ला ला अरे गुगलू तो अच्छा बच्चा है। एक घूंट मारो। चीयर्स। देखो इसका टंकी फुल हो चुकी है, अभी इसको पिलाना तो पड़ेगा ही क्योंकि ये थोड़ा कम ही पीते हैं बच्चे, लेकिन थोड़ा सा पिला सकते हैं। ध्यान रखिए अगर बच्चों को डकार आ गई तो उसके बाद में 1-2 घूंट से ज़्यादा ना पिलाएं। देखो बेबी
लो मैं पी जाऊंगा। वाह यार गुगलू कितना अच्छा है, पियो 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 पियो, देखो कितना अच्छा अच्छा, देखो 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 कितना अच्छा अच्छा है, पियो पियो पियो, मैं पी जाऊं। वाह पियो 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 तू गुगलू।